हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में आप विस्तार से समझेंगे। बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक का एक पैटर्न है। इनगल्पिंग शब्द का हिंदी में अर्थ होता है किसी चीज़ को ढक लेना या निगल जाना। जापान के लोगों ने बुलिश इनगल्पिंग का नाम सूर्य ग्रहण के ऊपर रखा है। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण के समय अंधेरा पृथ्वी को ढक लेता है या निगल जाता है, उसी प्रकार बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को अपने आप में ढक लेती है या निगल जाती है, और उसी बेस पे इसका नाम रखा गया है बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका सामान्य अर्थ होता है कि अब वस्तु में मंदी समाप्त हो गई है और तेजी की शुरुआत होने वाली है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल को मिलकर बनता है। इसमें पहली कैंडल स्मॉल बियरिश कैंडल स्टिक यानी छोटी मंदी की कैंडल होती है और इसका रंग रेड होता है। दूसरी कैंडल बुलिश कैंडलस्टिक होती है यानी लंबी तेजी की कैंडल होती है और इसका रंग ग्रीन होता है। बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में लंबी गिरावट के बाद बॉटम में बनता है, और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने की पुष्टि होने के बाद यदि इसके आधार पर ट्रेड लिया जाता है तो अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आइए समझते हैं बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल जो होती है वो स्मॉल बियरिश कैंडल होती है, यानी छोटी मंदी की कैंडल होती है, और सेकेंड जो कैंडल है वो पहली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे यानी कि गैप डाउन, गौर मतलब है कि दूसरे दिन की कैंडल स्टिक को अच्छी मंदी के साथ में खुलना चाहिए, और इस कैंडल का जो ओपन प्राइस होता है वो पहली कैंडल के क्लोजिंग के बराबर या उससे नीचे होना चाहिए। उसके बाद में जब दूसरी कैंडल क्लोज होती है तो उसका क्लोजिंग प्राइस पहली कैंडल के हाई के बराबर या इससे ऊपर होना चाहिए, और सेकेंड जो कैंडल होती है ये लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक यानी लंबी तेजी की कैंडल होना जरूरी है। बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में विशेष बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि पहली कैंडल पूरी तरह से सेकंड कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होनी चाहिए, यानी कि जो दूसरी कैंडल है उसको पूरी तरह से पहली कैंडल को ढक लेना चाहिए या ऐसे कहें कि निगल जाना चाहिए, जैसे कि सूर्य ग्रहण के समय होता है। फ्रेंड्स, बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का बहुत अधिक महत्व होता है। पहली कैंडल का वॉल्यूम जितना होता है उससे अधिक वॉल्यूम सेकंड कैंडल का होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं कि बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में वॉल्यूम बढ़ते क्रम में होना जरूरी है। जिस दिन मार्केट में बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उसके दूसरे दिन कई बार भाव अच्छी तेजी के साथ यानी कि गैप अप ओपन होते हैं। यदि इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट हो तो ये खरीदारी करने का एक मौका होता है, और इस आधार पर की गई खरीदारी से अच्छा प्रॉफिट होता है। चार्ट में बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है तो उसमें पहली कैंडल डोजी और सेकंड कैंडल मारुबाजू कैंडलस्टिक हो सकती है। फ्रेंड्स, यदि आपने डोजी और मारुबाजू कैंडलस्टिक के बारे में नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप डोजी और मारुबाजू कैंडलस्टिक का वीडियो देख सकते हैं। चार्ट में कुल बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चार प्रकार से बन सकता है। पहला जो पैटर्न होता है उसमें एक स्मॉल बियरिश कैंडलस्टिक नंबर वन पे और नंबर सेकेंड कैंडल होती है वो लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक यानी लंबी तेजी की कैंडल होती है। दूसरे प्रकार का जो पैटर्न बनता है उसमें एक डोजी होती है पहली कैंडल और दूसरी लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक यानी डोजी के साथ में एक लंबी तेजी की कैंडल होती है, और नंबर जो तीन प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें पहली कैंडल डोजी और दूसरी कैंडल लॉन्ग बुलिश मारुबाजू कैंडलस्टिक होती है, और तीसरे प्रकार का जो पैटर्न होता है उसमें पहली कैंडल स्मॉल बियरिश कैंडलस्टिक और सेकंड कैंडल बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न सभी प्रकार के टाइम फ्रेम में बनता है। इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर ट्रेडिंग करना चाहिए, और इस प्रकार आप ट्रेडिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं।
यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपको डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में बुलिश इनकल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर अपने ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। इससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। माना कि कल चार्ट में बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन करके तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वो अच्छी तेजी के साथ यानी कि गैप अप ओपन होती है, तो आपको खरीदारी करना है। और खरीदारी करने के बाद में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की जो सेकेंड कैंडल होती है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो नई कैंडल है वो बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की जो सेकेंड कैंडल का हाई है, जैसे ही उसको ब्रेक करती हैं तो आपको मार्केट में बाइंग करना है। और खरीदारी करने के तुरंत बाद आपको बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की सेकेंड कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टॉक मार्केट में काम करने का ये एक बेसिक नियम है। और इस प्रकार कैंडलस्टिक यानी कि बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर ट्रेड लेने के बाद में हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट अप जाता है। फ्रेंड्स, बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ बातें होती हैं जिसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सेकेंड कैंडल होती है उसको अपनी रियल बॉडी के अंदर पूरी तरह पहली कैंडल को ढक लेना चाहिए। सेकेंड कैंडल को हमेशा गैप डाउन ओपन होना चाहिए और बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल डोजी और सेकेंड कैंडल मारूबाजू कैंडलस्टिक हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट में समझते हैं। चार्ट में एक लंबी गिरावट के बाद में आपको बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रहा है और इसके अंदर जो वॉल्यूम है, पहली कैंडल का वॉल्यूम यह है और सेकेंड कैंडल का वॉल्यूम यह है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में है। इसमें आपको ट्रेड लेने के लिए ये देखना है कि नेक्स्ट डे कैंडल जब भी गैप अप ओपन हो या बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की सेकेंड कैंडल को ब्रेक करता है तो आपको मार्केट में खरीदारी करना है। तो इस केस में सेकेंड डे जो कैंडल होती है वो रेड बनती है, यानी कि गैप अप ओपन नहीं होती है। तो आपको जैसे ही बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की जो सेकेंड कैंडल है इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है उसमें मार्केट में एंट्री करनी है। तब तक आपको वेट करना है, यानी कि सेकेंड जो कैंडलस्टिक है बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की उसका जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको मार्केट में इंतजार करना है, एंट्री नहीं करना है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कैंडल है ये मार्केट के अंदर बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की सेकेंड कैंडल को यहाँ पर ब्रेक करती हैं, तो इसके अंदर आपको एंट्री करना है। उसके बाद मार्केट में आपको तब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना है जब तक कि मार्केट में चार्ट के अंदर कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई नहीं दे जाता है। और जब आपको ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है तो तुरंत आपको प्रॉफिट बुक करना है या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। इस केस में देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ एक तो यहाँ पर देखिए एक 3 आउटसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है और प्रॉफिट बुक, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ से आप देखते हैं कि मार्केट पुनः डाउन होने लगता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। और बुलिश इनगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इस प्रकार का अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के साथ में बने घंटे को दबा दीजिए। थैंक्स।